अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपको पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट करना होता है, या जेपीजी से पीडीएफ में, या पीडीएफ को कंप्रेस करना हो सकता है, कोई इमेज जनरेट करनी है, या किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, या कोई ऐसा पैराग्राफ लिखना है किसी टॉपिक पे। तो आप इन सब के लिए अलग अलग टूल यूज़ करते हैं डिफरेंट। आपको ये सारी फंक्शनैलिटी किसी एक वेबसाइट पे या किसी एक सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें आपको ये सारी फंक्शनैलिटी मिलेगी। उसमें डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होंगे आपको। आपने करना क्या है उसके लिए? सिंपल गूगल पे जाना है, अपने सर्च करना है टाइनी मॉम। आपको फर्स्ट पे ही ये वेबसाइट शो होगी, आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही है जिसमें फ्री टूल्स टू मेक योर लाइफ सिंपल। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको डिफरेंट टूल्स नजर आ रहे होंगे। पीडीएफ टूल है, इमेज टूल्स है, वीडियो टूल्स हैं, एआई राइट है, फाइल टूल्स, डिफरेंट टूल्स हैं जिनको आप यूज करके जो भी आपने काम करना है अपना काम कर सकते हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एसे राइटर, कंटेंट इम्प्रूवर, पैराग्राफ राइटर, एआई इमेज जनरेटर और डिफरेंट टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट ओपन कर दी है, तो ये पेज आपको सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जिसमें फर्स्ट पे है एसे राइटर, सेकंड पे है कंटेंट इम्प्रूवर। इसी तरह मुख्तलिफ सारे टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। हम फर्स्ट पे ऐसे राइटर को चेक कर लेते हैं, ऐसे राइटर को कैसे यूज़ किया जा सकता है। आपने सिंपली इसमें टॉपिक देना है, आप किस पे करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर साइंस पे करना चाह रही हूँ, लिखना चाह रही हूँ ऐसे नंबर ऑफ पैराग्राफ आपने बताने हैं। आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितने आपको चाहिए। मैं 5 कर देती हूँ। इसके बाद एजुकेशन लेवल कौन सा है आपका, हाई स्कूल है, कॉलेज है, ग्रेजुएट स्कूल है, कौन सा है, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉलेज सिलेक्ट करती हूँ। सिंपली आपने जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो ही आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे जो है वो आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। स्क्रीन पे सामने आपको नजर आ रहा होगा कि जो हमारा ऐसे है वो जनरेट हो गया। आप देख सकते हैं इसमें 5 पैराग्राफ ही होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ देखें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट इज फाइव। ये 5 पैराग्राफ पे जो है हमारा ऐसे जनरेट हो गया। हम नेक्स्ट एक और भी देख लेते हैं टूल को। बैक पे जाएं आप, यहाँ से हम सपोज पैराग्राफ राइटर को देख लेते हैं। आपने सिंपल इसमें टॉपिक लिखना है, हमने किस चीज़ पे पैराग्राफ लिखना है, टेबल पे कर देते हैं, हमने टेबल पे पैराग्राफ लिखना है। आपने यहाँ नीचे टोन ऑफ वॉइस सिलेक्ट करनी है, कैजुअल, एक्साइटेड। आपने टोन सिलेक्ट करनी है कि आप किस वे में पैराग्राफ को लिखना चाह रहे हैं, एक्साइटेड लिखना चाह रहे हैं, बोल्ड लिखना चाह रहे हैं, ड्रामेटिक, ग्रम्पी, जिस टाइप का आप लिखना चाह रहे हैं। आपने सिंपल जो है टोन को सिलेक्ट करना है। मैं कैजुअल लिखना चाह रही हूँ तो मैं कैजुअल को सिलेक्ट करूँगी, जनरेट पे क्लिक करूँगी। सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा पैराग्राफ है वो जनरेट हो गया है। हमने टेबल पे जनरेट करना चाहा था और कैजुअल वे में जनरेट करना चाहा था, तो ये देखिए हमारे पास जो है वो पैराग्राफ जनरेट हो गए और कैजुअल वे में ही जनरेट हुआ। बाकी की टूल्स भी इसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।